हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, 151 तक आई थिंक पिछली बार हो गया था, 151 अर्थक्वेक एपिसेंटर वाला, 152। अर्थ के स्फीयर दे रखे हैं और उसका कंस्टिट्यूएंट दे रखा है। लिथोस्फीयर जो सबसे ऊपर लेयर है उसमें सॉइल होता है, तो ए का तो 4 होना चाहिए। ए का 4 में बी या डी ऑप्शन में से कोई होगा। हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर पानी वाटर को बोलेंगे, तो बी का 3 होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन हो गया। एटमॉस्फेयर गैसेस हो गई, तो 2 ऑप्शन हो गया। बायोस्फेयर लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो ये अर्थ का पूरा सिस्टम जो है वो लिथो स्फेयर, हाइड्रो स्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, इन चार चीजों को मिलके बना है। 153। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकस, कैपिटल लॉ है। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन ए सर्कुलर पाथ, विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन अंडर दैट सिचुएशन। इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सीजन्स विल बी रिड्यूस, अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट, अर्थ वुड बिकम वेरी कोल्ड। अगर अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ की बजाय सर्किल पाथ में घूमे, तो इलिप्टिकल से क्या होता है कि अर्थ की सन से डिस्टेंस बदलती रहती है। कभी अर्थ सन से बहुत पास होता है पेरिजी, और कभी अर्थ सन से बहुत दूर होता है एपोजी। अगर अर्थ सन से उतनी ही डिस्टेंस लगातार बनाए रखेगा, तो सन से डिस्टेंस यानी कि जो सीजन्स हैं, सन से डिस्टेंस का मतलब है कि गर्मी सर्दी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो जो सीजन्स के बीच में डिफरेंस है वो हट जाएगा और यूनिफॉर्मिटी टाइप की आ जाएगी, तो डिफरेंस बिटवीन सीजन्स विल बी रिड्यूस्ड, ये सही ऑप्शन होना चाहिए। नॉटिकल माइल कितना होता है, तो 1 माइल, अगर नॉटिकल ना हो तो 1 माइल कितने फिट है, और नॉटिकल माइल कितने फिट है, तो भाई 1 माइल कितने फिट होते हैं ये देखना पड़ेगा। नॉटिकल माइल तो बाद में करें, पहले तो ये देखें कि 1 माइल में कितने फिट होते हैं। 1 माइल टू फिट, 1 माइल में 5 to 80 फिट होते हैं, और अगर नॉटिकल माइल है तो 5 to 80 की बजाय 6 to 80 होते हैं। तो नॉटिकल माइल इज बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लेनेट ऑफ द अर्थ। इफ यू वर टू कट द अर्थ इन हाफ ऑफ द इक्वेटर, यू कुड पिक अप वन ऑफ द हाफ एंड लुक एट द इक्वेटर एज ए सर्किल। यू कुड डिवाइड दैट सर्किल इंटू 360 डिग्रीज, यू कैन देन डिवाइड ए डिग्री इंटू 60 मिनट। 1 मिनट का जो आर्क है प्लेनेट अर्थ में वो 1 नॉटिकल माइल का होता है, और 1 नॉटिकल माइल करीब 1.1508 माइल्स या 6076, 6076, 6080 फीट के आसपास होता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड, इक्वेटर कहाँ पे मिलेगा, थर्मल इक्वेटर एट द इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्मल इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है राउंड द अर्थ रनिंग थ्रू द पॉइंट ऑन ईच मेरिडियन विद द हाइएस्ट एवरेज टेम्परेचर। इट लाइज मेनली टू द नॉर्थ बिकॉज ऑफ द लार्जर लैंड मास, दस ग्रेटर समर हीटिंग। एक्चुअली क्या है, थर्मल इक्वेटर वो है, इक्वेटर थ्योरेटिकली सबसे गर्म होना चाहिए, बट इक्वेटर सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि जो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर है वो लैंड है, लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है धूप में, और जो सदर्न है वो ठंडा है, पानी है, पानी तो वैसे भी जो है वो टेम्परेचर उतनी जल्दी चेंज नहीं होता। तो सबसे जो हॉटेस्ट रीजन है वो एग्जैक्ट इक्वेटर ना होके इक्वेटर से थोड़ा सा हाफ ऊपर है नॉर्थ, क्योंकि लैंड मास पूरा का पूरा नॉर्थ की तरफ है ना, सारे कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ में है, ज़्यादातर लैंड मास नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। सी, व्हेन वी कंसीडर 15 डिग्री मेरिडियन ऑन ए वर्ल्ड मैप और इन अ ग्लोब एंड काउंट देम इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट चले ग्रीनविच मेरिडियन से, तो वी फाइंड दैट टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज, तो ग्रीनविच से तो 15 डिग्री आगे चले गए, ग्रीनविच से आगे, तो टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज सेम इज ग्रीनविच, नहीं, 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं, तो 36 डिग्री में, 360 डिग्री में 24 घंटे, तो 1 घंटा पड़ेगा 360 बटे 24, 12 से काटें तो 30 बटे 2, 1 घंटा पड़ेगा 15। 360 क्या कर रहा हूं मैं, 360 बटे 24, 24 बटे 360 करें, 24 बटे 360 करें तो 12 से कटा तो 2 बटे 30, 1 बटे 15, 1 घंटा करीब 15 डिग्री के आसपास पड़ेगा। तो
1 घंटे भी फास्ट होगा। टाइम इज एडवांस टूवर्ड द ईस्ट एज अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अर्थ जो इंडिया है वो GMT प्लस 5:30 है, और अगर तुम 15 डिग्री ईस्ट चल रहे हो तो GMT प्लस 1 हो जाओगे। तो 1 घंटे का आएगा, करीब 1 घंटा होता है 15 डिग्री के आसपास। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 डिग्री ऑफ लेटिट्यूड? लेटिट्यूड जैसे मतलब अगर इक्वेटर से स्टार्ट करो 0 डिग्री लेटिट्यूड और पोल्स तक जाओ 90 डिग्री लेटिट्यूड, 6400 किलोमीटर है। तो 1 डिग्री लेटिट्यूड मेरे हिसाब से 6400 किलोमीटर को 90 से डिवाइड कर दो तो 64/90, 100 से कुछ कम आएगा, आना चाहिए 6400/90। वहाँ कितना रहा? 111 किलोमीटर है। अच्छा, 1 डिग्री लेटिट्यूड 111 किलोमीटर है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स देख लेते हैं यार। 1 डिग्री लेटिट्यूड 111 किलोमीटर हुआ कैसे? 1 डिग्री लेटिट्यूड इन किलोमीटर, लिखा तो है, ये तो लॉन्गिट्यूड्स हैं। 1 डिग्री लेटिट्यूड 111.7 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स, पोल्स पे जाएं और 51 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट पे कोई डिस्टेंस नहीं होगी भाई। जब पोल्स में तो सारी लाइंस कन्वर्ज हो जाती है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट द पोल्स इज 0। इक्वेटर पे गैप होगा करीब 111 किलोमीटर का, लेकिन पोल्स पे तो कुछ नहीं होगा। द इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, प्राइम मेरिडियन के जस्ट सामने इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन के एक साइड अगर 11 तारीख है तो दूसरे साइड 12 तारीख होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड की लाइन है, वो 180 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है। आप चाहे 180 डिग्री ईस्ट बोलो चाहे 180 डिग्री वेस्ट बोलो। लैक ऑफ एटमोसफेयर अराउंड टू मून, ये एस्केप वेलोसिटी की वजह से है कि मून पे एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू CM5 सुपर गैलेक्सी? विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू C5M सुपर गैलेक्सी? C5M सुपर गैलेक्सी इज ए लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इट इज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई लॉकहीड मार्टिन। इट इज ऑपरेटेड बाई USS4। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा C5M सुपर गैलेक्सी यहाँ क्यों दे रखा है ये तो एक डिफेंस की चीज हो गई ना, गैलेक्सी आ गया नाम में तो मतलब स्टार बन गया क्या? वाई डू वी हैव ए लीप ईयर आफ्टर एवरी फ्यूर? क्योंकि जो एक साल होता है वो 365 1/4 डे का होता है। नंबर ऑफ डेज जो है वो एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। कंप्लीट डे नहीं होता, वो 6-6 घंटे मिलके 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं। लेंथ ऑफ द ईयर सी ऑप्शन इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है भाई, हॉर्स लेटिट्यूड बने हैं, हाई प्रेशर बेल्ट बनी है, पोल्स बने हैं। इन द डायग्राम गिवन एवन व्हाट डज ए रिप्रेजेंट? इक्वेटर है और क्या है इन रीजन? अच्छा, ऑप्शन है वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ट्रेड विंड, डोल्ड्रम। इक्वेटर को डोल्ड्रम बोलते हैं। रीजन ऑफ ग्लोब फाउंड ओवर द ओशियंस नियर द इक्वेटर इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और हैविंग वेदर करेक्टराइज बाई काम एयर, लाइट विंड्स एंड स्क्वॉल्स एंड थंडर स्टॉर्म्स, इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स। यहाँ पे जो एयर है वो उठती है,
डोल्ड्रम्स। काम कहाँ से हो गया यार, लेकिन चलो डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स का मतलब काम होता है क्या? यहाँ पे मतलब वेदर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, देख लेते हैं। डोल्ड्रम्स, वेदर तो भी है यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। डोल्ड्रम्स में वार्म एयर राइज करती है, लो प्रेशर है। हॉर्स लेटिट्यूड पे एयर डिसेंड करती, हाई प्रेशर है। फिर 60 डिग्री पे वार्म एयर राइज करेगी और 90 डिग्री पे जाएगी। डोल्ड्रम्स, वाटर घोस्ट, टेरर ऑफ द डोल्ड्रम्स। भाई एक कहानी पड़ी है डोल्ड्रम्स से रिलेटेड। क्या है डोल्ड्रम के पीछे, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? वाटर घोस्ट, टेरर ऑफ द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और स्टेग्नेशन। डोल्ड्रम का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और स्टेग्नेशन, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे। डोल्ड्रम में लो प्रेशर जोन में कुछ हो ही नहीं रहा, इनएक्टिविटी, हवा ही नहीं चल रही। द डोल्ड्रम से बेल्ट ऑफ काम, सही बात है, हवा नहीं चलती। लाइट विंड्स, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन सदर्न एंड नॉर्दर्न एंड सदर्न ट्रेड विंड्स। डोल्ड्रम में पहुंच गए तो लो प्रेशर जोन डल, डिप्रेस्ड मूड, लो स्पिरिट। डल, लिस्टलेस, डिप्रेस्ड मूड, लो स्पीड। इक्वेटर के आसपास के जो तो जंगल में लोग रहते हैं वो ऐसे ही लो स्पीड में रहते हैं क्या? देखना पड़ेगा। एडिफ्ट एट सी, डोल्ड्रम्स इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अनप्रेडिक्टेबल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर ऑन इधर साइड ऑफ इक्वेटर वेदर ट्रेड विंड्स कम टुगेदर। प्लीजेंट प्लेसिड स्ट्रेच ऑफ बिनाइन वाटर ऑफरिंग ए रिस्पाइट फ्रॉम आवर रेंटलेस विंडवर्ड जर्नी। विंड नहीं होती तो धीरे धीरे सब चलते रहते हैं। विंड ब्लो नहीं करती है। विदाउट द विंड वी आर गोइंग नो वेयर। चल आगे बढ़ते हैं। अजेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन, नहीं स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू टाइप के। द प्लेनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर, ये तो भैया सही बात है। द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमोसफेयर ऑफ नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ये भी बिल्कुल सही है। मीथेन ब्लू, मीथेन रेड एब्जॉर्ब करता है, ब्लू रिफ्लेक्ट करता है। द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो प्राइमरी वेव जो होती है वो साउंड टाइप है, वो अर्थ के भीतर सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में चल लेंगी, तो उसे ये कहाँ पता चलेगा कि अर्थ के भीतर क्या स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी वेव स्ट्रिंग की वेव्स की तरह और लाइट वेव्स की तरह ट्रांसवर्स होती हैं, ये सिर्फ सॉलिड में चलेंगी, तो जहां नहीं चलेंगी वहां पे उनसे पता चल जाएगा कि वहां पे लिक्विड है, और ऐसा होता है आउटर कोर में होता है। सेकेंडरी वेव की आउटर कोर में वेलोसिटी जीरो होती है, तो मेरे हिसाब से सेकेंडरी वेव या एस वेव जो है वो सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेवलिंग सेस्मिक वेव्स हैं प्राइमरी वेव्स के बाद, और ये दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड बट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस। ये साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, तो आंसर होना चाहिए सेकेंडरी वेव्स। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब ये है कि जहाँ पे इनर प्लेनेट सन से जो क्लोजेस्ट वाले हैं, मरकरी, वीनस इसमें नहीं है, अर्थ, मार्स, इन चार में कुछ टेरेस्ट्रियल मतलब इनर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलेंगे बट
जिसका सकता पॉसिबिलिटी है, तो मरकरी होना चाहिए आंसर। इन द टाइम ऑफ ए प्लेनेट इफ द टाइम ऑफ ए प्लेस लोकेटेड ऑन 165 डिग्री ईस्ट इज 11 PM ऑन संडे, वॉट वुड बी द टाइम एट द प्लेस लोकेटेड ऑन 165 डिग्री वेस्ट मेरेडियन। 165 डिग्री वेस्ट मेरेडियन, तो देखो ऐसा है कि 165 डिग्री ईस्ट 180 से 15 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब होता है आधा दिन, 12 घंटे, 11 घंटे की बात है। 11 बजे हैं इसमें, 11 PM यानी कि दोपहर के 11 बजे हैं, संडे को दोपहर के 11 बजे हैं। अगर हम इसका ग्रीनविच मीन टाइम पे आए तो ग्रीनविच में उस समय रात के 12 बज रहे होंगे, और ग्रीनविच से वेस्ट चले जाएं तो संडे की बजाय सैटरडे आ जाएगा, और 11 घंटे पहले चले जाएं तो रात के 12 से 11 घंटे पहले जाओगे तो 1 बजा होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 AM होना चाहिए, वो दिन होना चाहिए सैटरडे। डी ऑप्शन दिया है 11 PM ऑन सैटरडे। 13 घंटे पहले चले गए, मैंने क्या बोला 165 डिग्री आप 11 घंटे पहले चाहिए, तो 11 बजे ही था तो 12 बज गए, 12 से फिर 11 घंटे पहले चाहिए, 12 से फिर 11 घंटे, तो एक बजना चाहिए ना। देर इज डिफरेंस ऑफ 360 डिग्री है क्या इनके बीच में, देर इज डिफरेंस ऑफ 360 डिग्री बिटवीन 165 165। देखो 160 160 हुआ 320 330 ही तो है, एक गलत किया इन्होंने आंसर, 24 घंटे ना 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 गलत है। मुझे लग रहा है सैटरडे तो होगा लेकिन 11 PM नहीं होगा, बट सैटरडे वाले कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय एक ही है सैटरडे का। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट करेक्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन 180 डिग्री मेरिडियन, सही है। डिफरेंस इन टाइम लार्जली है मतलब थोड़ा बहुत मूव किए थे उधर। डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द प्लेसेज जस्ट इधर साइड इज ऑलमोस्ट 1 डे, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। डिफरेंस इन टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 1 डे ऑन इधर साइड ऑफ द इज कॉज्ड बाय इंक्लाइन एक्सिस ऑफ अर्थ। इंक्लाइन एक्सिस नहीं, हमारी कैलकुलेशन की वजह से है, सी गलत है। डिफरेंस इन टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 1 डे ऑन इधर साइड इज कॉज्ड बाय राइजिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट एंड नॉट बाय इंक्लाइन एक्सिस ऑफ द अर्थ। भाई सन ईस्ट में राइज करता है तो वेस्ट जो होगा वो उधर सन नहीं होगा, तो डे का डिफरेंस तो लगा ही ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन मोस्टली पासेस थ्रू पैसिफिक ओशन, ये बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक ओशन से पास करती है, बिल्कुल देख सकते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन इसी के साथ मैं खुल रही है, तब तक पैसिफिक ओशन का काम कर लेता हूँ। ज्योग्राफी में जाऊं और यहां पे एक बनाऊं ओशन, और ओशन में मैं स्टार्ट करूं काम पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और मैं जा रहा हूं इंटरनेशनल डेट लाइन देखने। जी इंटरनेशनल डेट लाइन रसिया और यूएसए के बीच से निकल रही है, अमेरिका का टाइम अलग, रसिया का टाइम अलग, ऐसे है मामला है। तो पैसिफिक ओशन ऑकलैंड, चलो भैया ये पैसिफिक ओशन सही है मेजरली, क्या पूरा पूरा पैसिफिक है भाई। ऑकलैंड सबसे पास है पैसिफिक, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल डेट लाइन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस Which parts of the Earth's surface experiences
लीस्ट वेरिएशन इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन थ्रूआउट द ईयर। अर्थ की सरफेस का कौन सा पार्ट है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन में लीस्ट वेरिएशन, आई थिंक इक्वेटर पे तो हर समय ही आती है ना। इक्वेटोरियल रीजन्स आर रीजन लोकेटेड इन बेड अराउंड द इक्वेटर एंड कवर अबाउट 6% ऑफ द अर्थ सर्फेस। दे आर ऑफन इन लो लैंड एरियाज एंड हैव ए क्लाइमेट दैट इज हॉट एंड वेट ऑल ईयर राउंड। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अगर बात की जाए, जैसे अमेजन है या कांगो रेन फॉरेस्ट है या इधर इंडोनेशियन मलेशियन रेन फॉरेस्ट है या मेडागास्कर का रेन फॉरेस्ट है, तो ये चार मेजर रेन फॉरेस्ट है, ये हर समय हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं और अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता थ्रू आउट द ईयर। पोल्स पे टेम्परेचर का वेरिएशन 6 ऐसे बोलते हैं, वहां पे लंबे डेज होते हैं लंबे नाइट्स होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री है, लखनऊ में देख रहा था करीब 24 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा पास ही में है, 27 डिग्री ऐसे कुछ है। यहाँ तो वेदर होता ही है वेरिएशन, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल पे भी होता होगा वेरिएशन 66.5 में। नियरली 30% ऑफ द सोलर रेडिएशन रिटर्न्स बैक टू द स्पेस विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, अर्थ के एल्बिडो की वजह से। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज अर्थ एल्बिडो, 0.3 फैक्टर है 30%। अल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी जो कि शॉर्ट वेव, मतलब वेवलेंथ कम है फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, अच्छी बात है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता, तो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं वो, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं वो, बहुत हार्मफुल होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सोलर नून अकर्स साइमल्टेनियसली एट लोकेशन विद द सेम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सोलर नून, वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट ए गिवन टाइम। प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम। सोलर नून अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड। द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड डेजिग्नेटेड 0 डिग्री मेरिडियन दैट इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट ए गिवन टाइम। पता नहीं यार ये सोलर नून क्या है, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। सोलर नून उसका लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के साथ क्या रिलेशन है? सनराइज सनसेट के बीच में सोलर नून, सोलर नून इज द टाइम व्हेन सन इज हाईएस्ट अबाउट द होराइजन ऑन दैट डे। जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे उनमें एक साथ होगा, देखते हैं। अब जैसे ये सन का पाथ है, तो जितने भी इस सर्किल में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे सोलर नून एक साथ हो रहा होगा। चलो द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर नोन एज लाइट हाफ एंड डार्क हाफ। भी सन की लाइट आधे जो सामने वाला हिस्सा है उसमें लाइट, और जिसमें नहीं पहुंची वो डार्क, लाइट एंड डार्क, तो सी डे एंड नाइट। सेटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड इज नोन एज अर्थ, जो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये तो सबको पता है 24 घंटे का टाइम पीरियड, करीब 35,000 किलोमीटर की हाइट होती है अर्थ की सरफेस। अल्बिडो इफेक्ट वुड रिलेटिवली हायर इन, अल्बिडो का जो इफेक्ट है रिफ्लेक्शन अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग नून लेट इवनिंग, तो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग अल्बिडो वेरीज अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज बिंग हायर फॉर स्लेंटिंग रेज। अगर टेढ़ी आती है रेज तो अल्बिडो ज्यादा होता है एंड लोअर फॉर वर्टिकल, वर्टिकल अगर रेज आएंगी तो रिफ्लेक्शन कम होगा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव दैट अल्बिडो विल बी रिलेटिवली हायर ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग बिकॉज ऑफ बोथ टाइम्स सन रेज आर स्लेंटिंग।
कंपोजिट वेल्केनो कोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटो कोन बिकॉज ऑफ द जो स्ट्राटा कोन बोलना चाहिए, स्ट्रेटो तो नहीं बोलना चाहिए। कंपोजिट वेल्केनो का मतलब होता है स्ट्रेटो वोल्केनो आर कोन शेप्ड वोल्केनो, लेयर्स होती हैं लावा एस रॉक डिब्रीज, स्टीप साइड होते हैं जैसे कोन टाइप दिखाई देते हैं वोल्केनोस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राटा कोन बिकॉज ऑफ द कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन। तो अल्टरनेटिंग सीट्स ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल, अनइवन स्ट्रीम्स ऑफ लावा फ्लो, कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन, इरप्शन ऑफ लावा फ्लो फ्रॉम ए फिसर। तो आई थिंक कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन, कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन का मतलब क्या होता है? कैटा क्लाइज्म मतलब लार्ज स्केल इरप्शन, एक साथ हो जाए धड़ा 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 कैटाक्लिज्म। इरप्शन प्रोड्यूस हाई स्पीड, बहुत तेजी से जो होता है इरप्शन वो कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन कहलाता है। जब कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन होता है बहुत तेजी से, अरे कहाँ पे हो रहा है, तो वहां पे स्ट्रेटो वोल्केनो बन जाते हैं, कंपोजिट वोल्केनो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट? ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, डिफरेंस इन लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस अवे फ्रॉम इट। भाई डे इक्वेटर पे डे और नाइट, इक्वेटर पे डे और नाइट बराबर बराबर होने चाहिए। इक्वेटर पे डे और नाइट, देखिए इक्वेटर पे क्या होगा कि जैसे अर्थ इक्वेटर पे संतुष्ट की जैसा है अब, लेकिन एक हिस्सा है जहां पे सनलाइट पहुंच रही है तो वहां पे डे है और बाकी हिस्से पे नाइट है। तो ठीक है इक्वेटर पे डे और नाइट अप्रोक्सीमेटली सेम है, पोल्स की तरफ डे और नाइट पे बहुत वेरिएशन है, 24 घंटे का डे 24 घंटे का नाइट। तो डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस अवे फ्रॉम इट, ये बिल्कुल सही है। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम इट। डिफरेंस इज लीस्ट एट द ट्रॉपिक्स, नहीं मैक्सिमम ट्रॉपिक्स का कोई मतलब ही नहीं इक्वेटर से पोल्स के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ? भाई पी वेव्स और एस वेव्स है ना, अर्थक्वेक वेव्स। भाई हमें अर्थ के अंदर क्रश मेंटल कोर कैसे पता चला? खुदाई तो करेंगे नहीं, वेव्स के थ्रू पता चला। अर्थक्वेक वेव्स जो दो टाइप की होती है, एक बॉडी वेव्स होती है, सरफेस वेव होती है। अंदर जो बॉडी वेव्स होती हैं जो अंदर के वाइब्रेशंस को की एनर्जी को सरफेस तक लेके आती हैं, पी वेव्स और एस वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पहले आती है, सेकेंडरी बाद में आती है। प्राइमरी लॉन्गिट्यूडल होती है, एस ट्रांसवर्स होती है। सरफेस वेव दो होती हैं, लव वेव और रेले वेव्स। तो सेलेक्ट द करेक्ट वोल्केनो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वही अर्थक्वेक वेव्स है। वोल्केनो इज ए माउंटेन दैट ओपन्स डाउनवर्ड टू ए पूल ऑफ मोल्टन रॉक्स बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ व्हेन प्रेशर बिल्डअप इरप्शन अकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द अर्थक्वेक्स आर करेक्ट? द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड इपी सेंटर नॉट हाइपो सेंटर। हेलो, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेज विच आर अफेक्टेड अर्थक्वेक द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉल्ड होमोसेस्मल लाइन, ये बिल्कुल सही है। तो बी ओनली टू, हाइपो सेंटर बोलते हैं जहां से अर्थक्वेक आता है, और सेम पॉइंट को होमो सेस्मल, सेस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एक्टिविटी, होमो मतलब इक्वल। ए टिपिकल ब्लैक होल इज ऑलवेज स्पेसिफाइड ए कर्वेचर, सिंगुलरिटी, होराइजन, चार्ज। चार्ज का तो मैंने कभी कुछ ऐसा सुना नहीं। ब्लैक होल्स आर रीजन्स ऑफ स्पेस टाइम फ्रॉम विच नथिंग इवन लाइट कैन एस्केप। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट कंटेन्स ए स्पेस टाइम सिंगुलरिटी एट द सेंटर। टू सी आइदर ए कर्वेचर सिंगुलरिटी और ए होराइजन, तो ये सिंगुलरिटी तो है, ब्लैक होल एक स्पेस टाइम सिंगुलरिटी। अब ये क्या चीज है सिंगुलरिटी, पहली बार सुना मैंने। ब्लैक होल सिंगुलरिटी, अच्छा ऐसे ब्लैक होल की सिंगुलरिटी हो रही है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये है ब्लैक होल की सिंगुलरिटी का, यहाँ पे आएगी ब्लैक होल की सिंगुलरिटी।
ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर पे सिमिलैरिटी है। ठीक है, अगर अर्थ को एक ब्लैक होल बनाना हो तो अर्थ का साइज कितना रहना चाहिए? 1 इंच से भी छोटा, 0.7 इंच, इतना हो जाएगा, 0.7 इंच। सन से बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल। सन, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल। ये तो भैया बहुत बढ़िया चीज है, इसका तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इसमें क्या 0.7 इंच वाला भी डेटा है और सन, व्हाइट डॉफ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे ब्लैक होल पे थे, मतलब ये हो गया 179 हो गया, 180 पे आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स इज ए साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फेयर। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स इज नॉट करेक्ट? टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज ऑफ ओशनिक लिथोस्फेयर एंड थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। कॉन्टिनेंटल जो होती हैं प्लेट्स वो थिक जरूर होती हैं बट उनकी डेंसिटी कम होती है आइसोस्टेसी के लिए। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज ऑफ ओशियानिक लिथोस्फेयर एंड थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। तो ये लिथोस्फेयर से टेक्टोनिक प्लेट बनती है, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। नहीं, गलत लग रहा था। टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज अर्थ लिथोस्फेयर इज ए हाई रिस्ट्रिक्ट। नहीं, अर्थ लिथोस्फेयर इज ब्रोकन अप इंटू टेक्टोनिक प्लेट्स। नॉट करेक्ट पूछा, पहला तो सही लग रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ सही तो है, एबल टू मूव बिकॉज अर्थ लिथोस्फेयर इज ए हायर स्ट्रेंथ देन अर्थ अंडरलाइंग एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर लिक्विड है, लिथोस्फेयर सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड पे चल जाता है। अच्छा, ये वजह है, बी भी सही है। अर्थ लिथोस्फेयर इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट, सी भी सही है। ए लॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सबडक्शन कैरीज प्लेट्स इनटू मेंटल। ए लॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, पहले तो देखो डाइवर्जेंस हो कहाँ रहा है। दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस होता है जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में हो रहा है, वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस है जहां पे आपकी ग्रेट लेक्स बन रही है, लेक विक्टोरिया। लेक चार्ट तो नहीं है, लेक विक्टोरिया जहां से नाइल वाइल निकलती है, ब्लू नाइल जहां से निकलती है, व्हाइट नाइल से निकलती है, वो जो ग्रेट लेक्स हैं तो वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस है। ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंस जैसे मिड एटलांटिक रिज है, वो ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंस है। तो जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पे सबडक्शन कैरीज प्लेट्स इनटू मेंटल। सबडक्शन होते ही नहीं है, सबडक्शन तो वो होगा जहां पे प्लेट्स का कन्वर्जेंस होगा, जहां पे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल के साथ टकराए या कॉन्टिनेंटल ओशियानिक के साथ टकराए या ओशियानिक ओशियानिक से टकराए, वहां पे एक प्लेट नीचे प्लेट की जाती है तो उसको सबडक्शन बोलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट पे सबडक्शन नहीं होता है, डाइवर्जेंट प्लेट पे तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, रिजेस का फॉर्मेशन होता है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस है तो वहां पे रिफ्ट वैली बन रही है, ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंस है तो वहां पे रिज बन रही है। तो डी ऑप्शन गलत है। और ये जो सबडक्शन का वर्ड है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे नहीं होता। इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर, व्हाट कुड बी द रीजन? तो लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज मोर और लेस इक्वल, अर्थ रोटेशनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। रोटेशनल वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ेगा? तो कोरियालिस फोर्स इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोरियालिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर पे कोरियालिस फोर्स जीरो है, ये तो यार नई स्टोरी है फिजिक्स में। इक्वेटर पे तो कोरियालिस फोर्स सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट मुझे चेक करना पड़ेगा, ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है। फिजिक्स में मैंने पढ़ा है कोरियालिस फोर्स तो भाई इक्वेटर पे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा होना चाहिए। कोरियालिस फोर्स इज मैक्सिमम एट
अगर इक्वेटर है तो मेरा सही है, पोल्स है तो इनका सही है। कोरियालिस फोर्स डिक्रीजेस एज द लेटिट्यूड डिक्रीजेस मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एबसेंट एट द इक्वेटर। यानी कि ये लोग सही है भाई, कोरियालिस फोर्स इक्वेटर पे नहीं होता। ये तो हो गया बवाल भैया। अच्छा मैं कोरियालिस को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ रहा था भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, पोल्स पे मिनिमम होता है। ये बोल रहे हैं कोरियालिस अलग है, सेंट्रीफ्यूगल अलग। ओके ओके, कोरियालिस फोर्स जो होता है वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है, वहां पे जो है डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा और इक्वेटर पे एब्सेंट होगा। ओके ओके, कोरियालिस फोर्स जो है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे होएगा ही नहीं। कोरियालिस फोर्सेस मैक्सिमम एट पोल्स ड्यू टू इक्वेटर, फास्टर स्पीड स्ट्रॉन्गर कोरियालिस फोर्स इज व्हाई एयरक्राफ्ट फ्लाई इन सर्कुलर पाथ। ओके, ये भी मुझे नया पता चला भाई, मैं एक्चुअली कोरियालिस को सेंट्रीफ्यूगल से कंफ्यूज हो रहा था। ये क्लाइमेटोलॉजी में डालना चाहिए। ना बड़ा नहीं रखना चाहिए, छोटा कर लेना चाहिए। अभी देखो कोरियालिस फोर्स ये वाला जो है फिगर भी मुझे उठा लेना चाहिए, यहाँ से कट कर लेना चाहिए और यहाँ डाल लेना चाहिए। कोरियालिस फोर्स मैक्सिमम एट पोल्स मिनिमम एट इक्वेटर। तो वापस आते हैं, इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर रीजन एक्सेप्ट समर, क्योंकि जो कोरियालिस फोर्स है वो द अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी मैक्सिमम एट द इक्वेटर है। कोरियालिस फोर्स पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है, तो कोरियालिस फोर्स का विंड पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इक्वेटर पे तो कोई कोरियालिस फोर्स ही नहीं ना उसको विंड को चलाने के लिए, तो कोई सीजन ही नहीं आएगा। सीजन आने के लिए विंड आनी चाहिए, विंड कहाँ से आए, विंड का कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे तो डोल्ड्रम्स रहता है, विंड को डिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, पोल्स पे होगा। तो ये डी ऑप्शन सारे सही है, समझ में आ गया। 182, साइडरियल डे इज शॉर्टर देन द सोलर डे, मोशन ऑफ द अर्थ इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्स एज रिवोल्यूशन। अर्थ का सन के अबाउट रिवोल्यूशन, ये तो सही है। साइडरियल डे के बारे में जान लेते हैं, साइडरियल डे इज द टाइम इट टेक्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स स्टार। फिक्स स्टार कौन है, ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल स्टार। साइडियल इज द डे टाइम फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स विद फिक्स स्टार, बाय फिक्स वी मीन वी ट्रीट द स्टार एज इफ देयर एज्यूम। ये सब रिलेटिव मोशन का फंडा है, टू बी इमेजिनरी सेलेस्टियल स्फीयर एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ए मेजरमेंट ऑफ द साइडियल डे इज मेड बाय नोटिंग द टाइम एट विच ए पर्टिकुलर स्टार पासेस द सेलेस्टियल मेरिडियन डायरेक्टली ओवरहेड ऑन टू सक्सेसिव नाइट। ऑन अर्थ ए साइडियल डे लास्ट फॉर 23 आवर्स 56 मिनट्स विच इज स्लाइटली शॉर्टर देन द सोलर डे मेजर फ्रॉम नून टू नून। मतलब सोलर डे 24 घंटे का है, साइडरियल डे 23 घंटे 56 मिनट का है। एट द सेम टाइम द अर्थ स्पिन्स अराउंड ओन एक्सिस दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट साइडरियल डे इज शॉर्टर देन द सोलर डे सही है, बट इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो अगला जो है हम लोग करेंगे।